जो पुराने वाले थे कोविंद साहब, क्रीमी लेयर में पहुंच पाए, उनको तो मंदिर जाने से रोक लिया गया। राष्ट्रपति महोदय को, जो देश के एक तरीके से मालिक है, राष्ट्रपति महोदया को मंदिर जाने से रोक लिया, तो वो क्रीमी लेयर में जिस दिन पहुंच जाएंगे ना राष्ट्रपति, उस दिन क्रीमी लेयर पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे। नौकरियां दो सीएमडी से लेकर और नीचे तक, अडानी को हटा के हमारे समाजों के लोगों को नौकरियां दो प्राइवेट सेक्टर में, तो नौकरियों की तो अंबार लग जाएगा जो चुराई भी। अगर किसी वाल्मीकि समाज के एक भी व्यक्ति का इस जजमेंट से फायदा होने जा रहा होता तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होता जो इसके समर्थन में खड़ा होता, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती। लेकिन यह वाल्मीकि समाज का सबसे ज्यादा नुकसान होगा इस जजमेंट से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैं ज्यादा काम करता हूँ, नीचे भी करता हूँ, तो एक फैसला मुझे कोई भी बता दे, और ये ओपन चैलेंज है सबको, एक फैसला, सिर्फ एक फैसला किसी भी हाई कोर्ट का और किसी भी सुप्रीम कोर्ट का, जो एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को, गरीबों को, बच्चों को संपूर्ण न्याय देता हो या न्याय देता हो, एक फैसला पूरे देश में, और आजादी के बाद से आज तक से लेके अब तक। सरकार सिर्फ सिर्फ सरकार विरोधी है आप, वो कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो चोरी कर रहे हैं ना, फैसला बताओ, कोई बेटी बचा तो रहे हैं अभी ये है। मैं जो हमारी हाथरस की बेटी है उसका केस कर रहा हूँ, जो हमारी दिल्ली कैंट की बेटी है उसका केस कर रहा हूँ, जो हमारी ये सारी बेटियाँ, सुनो आप, सुनो एक मिनट, वो उसका जवाब दूंगा, पहले इनका जवाब दे दूंगा। सरकार की पूरी कोशिश है, हाथरस की बच्ची का ही बता दूं मैं आपको, सरकार की कोशिश ये है कि उसकी सुरक्षा छीन ली जाए, उसको घर देने के लिए ये कहा जा रहा है कि तुम अपना ये वाला जो छोटा मोटा तुम्हारा जमीन है ना ये दे दो तब हम तुम्हें घर देंगे। नौकरी आज तक नहीं दी, और योगी आदित्यनाथ जी ने खुद वादा किया था और हाईकोर्ट में वादा किया था, ये हैं वादे और ये हाईकोर्ट के फैसले हैं जो आज तक दिला नहीं पा रहा। अब जो आपने पूछा सवाल आप बताएं। सर एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, किसको? चमार को, चमार और जाटों। सर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सबसे ज्यादा जाटक चमार ही किया जा रहा है, कि सबसे ज्यादा जो जाटक समाज है वही हमारा आरक्षण खा रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा है कि ये जो समाज जिसका नाम ले रहे हो आप और कुछ और भी समाज है, वो थोड़े जागरूक होके गर्दन तक पहुंच गए उनका हाथ। अब उनको पता है समाज के हमारे, और वो याद है आपको भीमा कोरेगांव, 500 तो चाहिए, 500 ही चाहिए, और 500 में से मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गए, और उनका हाथ बनुवाद के गर्दन तक पहुंच गया है, और अगर उन्होंने टेटुआ दबा दिया मुट्ठी भर लोगों ने तो फिर तो सबको न्याय मिल जाएगा, तो इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। एक बात मैं पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस बात को यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि वाल्मीकि समाज का हमारे देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक है। अगर किसी वाल्मीकि समाज के एक भी व्यक्ति का इस जजमेंट से फायदा होने जा रहा होता तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होता जो इसके समर्थन में खड़ा होता, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती। लेकिन यह वाल्मीकि समाज का सबसे ज्यादा नुकसान होगा इस जजमेंट से, इसलिए हमारा फर्ज इसलिए भी है जो लोग वाल्मीकि समाज के हितैषी हैं कि इस जजमेंट की पूरी ताकत से मुखालफत करें और इसको एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करें, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट ना सर, कई इसको नहीं, हाँ ये बात, ये बात, ये बात, और स्कूल कॉलेज की जब बात आती है तो उस पर चुप्पी साधी जाती है सर। पहले वाल्मीकि समाज, पहले वाल्मीकि समाज से शुरू करते हैं। ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जो जजमेंट है एक के बाद एक जजमेंट, वो अगर वाल्मीकि समाज की इतनी सी भी हितैषी होती तो उनकी नौकरियां जो पक्की होनी चाहिए थी, किस काम की? सफाई कर्मचारी की, कोई जो सबसे खतरनाक सबसे मुश्किल काम है उसकी नौकरियां पक्की होके उनकी 1 लाख रुपए की नौकरी लगती। आज 7,000, 8,000, 5,000 पे नौकरी कर रहे हैं। हजारों बार हमने पूरे देश में, हमारे जैसे ये हमारे गौतम साहब खड़े हैं यहाँ पे, एक पिटीशन नहीं लगाई है, सैकड़ों पिटीशन लगाई है कि भाई साहब ये हाथ जुड़वा लो, इनको कम से कम ठेकेदारी प्रथा से तो मुक्ति दिला दो। किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ऐसी ताकत नहीं आई कि ठेकेदारी प्रथा से हटा के 1-1 लाख रुपए की नौकरियां वाल्मीकि समाज को दिला दें। ये कर दें तो मैं इनको सैल्यूट करूंगा अभी इसी जजमेंट के देने वालों को, नहीं करेंगे लेकिन ये। और साथ के साथ हमारा ये, पहले ये नौकरियां पक्की करो इनकी, ठीक है, और साथ के साथ जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं उनको 2-2 साल का एक कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, शाम को सब वो ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे, ठीक है, और जैसे ही उनके 2 साल पूरे होंगे जो ग्रेजुएट को नौकरी मिलती है, जो बैकलॉग की बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो बैकलॉग में करोड़ों नौकरियां पड़ी हैं, सबसे पहले इन्हीं को दे दो, क्योंकि इतने करोड़ नौकरियां आएंगी के सारे परिवार, चाहे वो किसी भी समाज के हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, सबके घर में एक नौकरी आराम से आ जाएगी। और कौन सी नौकरी?
जो कि हायर लेवल की होगी, जो क्लास टू क्लास वन और उससे भी ऊपर डायरेक्टर और सेक्रेटरी लेवल की नौकरियां होंगी। तो ये है सोल्यूशन। दूसरा एक सोल्यूशन और आप सुन लीजिए, जल्दी में मत रहिए, एक सोल्यूशन और है, ये प्राइवेटाइजेशन। अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जितने चोर है ना, ये इनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन शुरू करोगे अपनी शेयर होल्डिंग में, जो अभी हिंडनबर्ग ने बताया है ना, वो शेयर हमें दो और नौकरियां दो सीएमडी से लेके और नीचे तक, अडानी को हटा के हमारे समाजों के लोगों को नौकरियां दो प्राइवेट सेक्टर में, तो नौकरियों की तो अंबार लग जाएगा, जो चुराई हुई नौकरियां हैं, जो लोग नहीं मिलेंगे। और तीसरी चीज़ एससी एसटी सब प्लान, करोड़ों करोड़ों करोड़ रुपया हमारा, हर एक परिवार का एक एक करोड़ रुपया कम से कम, एससी एसटी समाज के हर एक परिवार का कम से कम एक एक करोड़ रुपया सरकारों ने चुरा रखा है, वो दे दो, उसके बाद हम जजमेंट पे बात करेंगे। मिले नहीं सर, आखिरी सवाल है सर, सर जो क्रीमी लेयर आया है, क्या ये संभव है क्या संवैधानिक तौर पे? देखिए क्रीमी लेयर की बात मैं बता दूं आपको, इस देश में एससी एसटी समाज का तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ओबीसी के साथ भी यही हाल है। राष्ट्रपति महोदया जो हैं, वो जो पुराने वाले थे कोविंद साहब, क्रीमी लेयर में पहुँच पाए? उनको तो मंदिर जाने से रोक लिया गया। राष्ट्रपति महोदया को, जो देश के एक तरीके से मालिक हैं, राष्ट्रपति महोदया को मंदिर जाने से रोक लिया, तो वो क्रीमी लेयर में जिस दिन पहुंच जाएंगे ना राष्ट्रपति, उस दिन क्रीमी लेयर पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे। राष्ट्रपति ना पहुंच पाए, ये है सच्चाई। और जो लोग क्रीमी लेयर की बात करते हैं वो फ्रॉड है, कोई भी फ्रॉड। अब क्रीमी लेयर की बात, आखिरी बात सुन लीजिए आप, क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि एक समाज के होमोजेनियस हिस्से में से कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे निकल गए। और ये जजमेंट क्या है कि एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज जो होमोजेनियस है, जो एक जैसे हैं, जिनको एक वजह से छुआछूत की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिली थी, उसमें ग्रेडेशन करना क्या क्रीमी लेयर नहीं है? तो ये मोदी जी कौन सा झूठ बोल रहे थे आखिरी दर्जे का, कि क्रीमी लेयर के खिलाफ है? अगर तुम क्रीमी लेयर के खिलाफ हो तो इस जजमेंट के ऑटोमेटिक खिलाफ होना चाहिए था।